तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें लिंजा को दिख रहे थे और वहीं पे सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि डिटेक्ट किया गया कि होस्ट ने विलन कैरेक्टर को सक्सेसफुली रिस्टोर किया है। और वहीं पे आपको रिवार्ड के तौर पे 300 गॉन डिमोन डिजायर मिलता है। और वहीं पे हमें 300 डिमोन डिजायर को दिखाया जाता है जो बहुत ही सुंदर दिखता है। मतलब ये जो वेपन है ये लड़कियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। और वहीं पे ये वेपन से एक साथ 3 लड़कियों को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लिंजा मनी मन में कह रहा होता है कि अगर मेरा दुश्मन मेरे ऑपोजिट सेक्स होता है तो इस वेपन का इफेक्ट बहुत ही अच्छा खासा होगा। और वैसे तो मैं सेक्स से बाहर निकलता ही नहीं हूँ, मुझे ऑपोजिट सेक्स के दुश्मन कैसे मिलेगा? क्या सिस्टम कहना चाहता है कि मेरे तीनों जूनियर सिस्टर के ऊपर यूज करूँ ये वेपन? फिर हमें दिखाया था कि लिंजा के दोनों जूनियर सिस्टर को, जो लिंजा को गले से पकड़ के रहता है, पर तभी वहीं पर अचानक से होंगमी आ जाता है और वो खांसता है। और फिर हमें दिखाया था कि दोनों जूनियर सिस्टर को, जो लिंजा से दूर हट जाता है। फिर जाओ होंगली लिंजा को कह रहा होता है कि जोनर युद्ध शुरू होने वाला है, लेजी मत बनो, अब समय आ चुका है तुम्हें कुछ नया सिखाने का। और वहीं पर लिंजा कह रहा था कि मास्टर आप क्या कहना चाहते हैं? और वहीं पर हमें जाओ होंगलिंग को दिखाया था जो लिंजा के हाथ को पकड़ता है और वो कह रहा था कि मास्टर के साथ लोटस केव के अंदर आओ। और हमें दूसरी तरफ सेकंड जूनियर सिस्टर और थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो लिंजा और उसके मास्टर को जाते हुए देख रहा होता है। और वो दोनों एक साथ मनी मन में कह रहे थे कि मास्टर और सीनियर ब्रदर एक दूसरे के हाथ को पकड़ रहा है। हमें दूसरी तरफ जाओ होंगलिंग को दिखाया था जो अपने पास एक वार्ड को समन कर लेता है और फिर वो कह रहा था लिंजा को कि तुम्हारा स्वॉर्ड स्किल बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुका है, चलो इस वार्ड के ऊपर चढ़ जाओ और मैं तुम्हें एक राइड देता हूँ। फिर हमें दिखाया था कि जाओ होंगलिंग और लिंजा उस बाट के ऊपर चढ़ गया होता है और वहीं पे जाओ होंगलिंग कह रहा था कि जाओनर तुम्हारे इस मास्टर को टाइट से पकड़ो। और वहीं पे लिंजा ये बातें सुनने के बाद मनी मन में कह रहा होता है कि आज मास्टर का बिहेवियर बहुत ही अलग है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ दोनों जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। और वहीं पे सेकंड जूनियर सिस्टर मनी मन में कह रहा होता है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग, तभी जाके मैं सीनियर ब्रदर के पास खड़ा हो पाऊंगा। और वहीं पे हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो मनी मन में कह रहा होता है कि सिर्फ मास्टर के जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि सीनियर ब्रदर सिर्फ मेरा हो जाए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि जाओलिन और लिंजा को जो अपने डेस्टिनेशन पे आ गया होता है। और वहीं पे जाहुलिन कह रहा था कि नीचे उतर जाओ। हमें लिंजा को दिखाया जाता है जिसका नज़र किसी तरफ जाता है और वो देख रहा होता है। और ये देखने के बाद जाहुलिन कह रहा होता है कि तुम क्या देख रहे हो? हमें जाओ होंगमिंग को दिखाया जाता है जो एक झूला के ऊपर बैठा रहता है। और ये देखने के बाद लिंजा कह रहा होता है कि मास्टर आपके पास अभी भी ये झूला है? और इधर लिंजा की ये बातें सुनने के बाद जाहुलिन झूला झूलते हुए कह रहा था कि हाँ ज़रूर जाओनर, तुम ये मेरे लिए बनाए थे। और फिर जाओ होंगलिन वो दिन याद करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ सालों पहले का समय, हमें जाओ होंगलिन को दिखाया जाता है जो केव से बाहर आ रहा होता है अपना उबासी लेते हुए। और वो कह रहा था कि कल रात मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। और तभी अचानक से उसका झूला के ऊपर नजर जाता है और वो कह रहा था कि ये। फिर होंगमिंग झूला के पास आता है और वहाँ पे एक लेटर रहता है और वो लेटर पे लिखा रहता है कि मास्टर दारू पीना कम कीजिए और अगर आप ड्रिंक करना ही चाहते हैं तो आप यहाँ पे रहकर ड्रिंक कीजिए। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं जाओ होंगलिंग को दिखा देता है जो लिंजा को कह रहा होता है कि जब से मेरे पास जाओनर और ये झूला आया है तब से मैं बाहर दारू पीना छोड़ ही दिया है। और इधर हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया जाता है जो उसके मास्टर की ये सब बातें सुनने के बाद चौंक गया होता है और वो ब्लशिंग करने लगता है। और फिर वो कह रहा होता है कि जब तक मास्टर ये पसंद करता है और ये डिसाइपल का ड्यूटी है मास्टर को सर्व करना, और वैसे मास्टर आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हैं? पर हमें दिखाया था कि जाओ होंगलिन अपने पैरों के वजह से लिंजा को अपने तरफ खींच लेता है। और भाई भाई ये देखने के बाद लिंजा टोटली शॉक हो गया होता है और वो ब्लास्टिंग करने लगता है और वो कह रहा था कि मास्टर आप क्या कर रहे हैं, मास्टर आप क्या कर रही है? जाओ होंगलिन कह रहा होता है कि क्यों, तुम्हारे जूनियर सिस्टर तुम्हें टच कर सकता है पर तुम्हारे मास्टर तुम्हें टच नहीं कर सकता। और भाई पे लिंजा कह रहे थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है पर मास्टर आपका जो टच है ना बहुत ही ज़्यादा अजीब है। जाहुलिन कह रहा था कि तैयार हो जाओ और वहीं पर लिंजा ये सुनने के बाद कह रहा था कि क्या तैयार हो जाऊँ, पर तभी हमें दिखाया था कि लिंजा के पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है। फिर लिंजा अपना आँख बंद कर लेता है और जब वो आँख खोलता है खुद को एक डेजर्ट पे पाता है। फिर होंगमिंग लिंजा को कह रहा था कि जाओनर ये स्वॉर्डमैनशिप का सीक्रेट रिलम है और तुम्हारे ये मास्टर तुम्हारे प्यारे स्वॉर्ड इंटेंट को कनेक्ट करेगा और मैं तुम्हारे टीचर होने के नाते मुझे पता चला है कि याचन एक एक्सपर्ट की गाइडेंस भी अपना स्वॉर्डमैनशिप सीख रहा है जिसके कारण याचन का कल्टीवेशन लेवल गोल्डन एलिक्सर भी इंप्रूव नहीं हुआ है, उसका जो स्वॉर्डमैनशिप स्किल है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। और अगर तुम उस इंसान को 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन में हराना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ही कड़ी मेहनत करना होगा। तो चलो आगे। फिर जाओ होंगमिंग लिंजा के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें जो प्यारे स्वॉर्ड बॉडी दिया है उसको यूज करो और तुम्हारे मास्टर को प्रूव करो कि तुम प्यारे स्वॉर्ड बॉडी के काबिल हो। और वहीं पर मैं दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया जाता है जो कह रहा था कि नहीं मास्टर आप ये नहीं कर सकते, क्या आप खुद के डिसाइपल को मर्डर करना चाहते हैं? फिर हम देखते हैं कि लिंजा को जो अपने तलवार की मदद से उसके मास्टर के सारे अटैक को बहुत ही मुश्किल के साथ रोक रहा हो और लिंजा मनी मन में कह रहा होता है कि ये टेरिफाइंग स्वॉर्ड प्रेसर क्या ये मोस्ट एंशियंट स्वॉर्डमैनशिप का स्वॉर्ड प्रेसर है? हमें दूसरी तरफ जाओ होंगलिंग को दिखाया जाता है जो लिंजा के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि मैंने अभी तक मेरे 5% पावर भी यूज नहीं किया है और तुम्हारा हालत ऐसा हो गया, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है कि तुम कह सको कि तुम जाओ होंगलिंग के डिसाइपल हो? जाओ होंगलिंग लिंजा के ऊपर एक से बढ़कर एक स्ट्राइक किए जा रहा होता है और फिर वो कह रहा होता है कि इस सीक्रेट रिलम पे मेरे स्वॉर्ड स्किल, मैजिकल पावर, या तक कि मेरे कल्टीवेशन को भी मैंने सील करके रखा, मेरे पास अभी जो कल्टीवेशन जो भी स्किल है वो तुम्हारे बराबर है, पर फिर भी मैं इस लकड़ी की मदद से तुम्हारे उस स्वॉर्डमैनशिप को मैं सरपास कर सकता हूँ, बताओ क्यों?
फिर हमें लिंजा को दिख रहा था जो कह रहा था कि ये स्वाट की पावर है, और फिर वो डिटेल्स में बताने लगता है। वो अगर मैं डिटेल्स में बताने लगूँ वो 12 बज जाएगा। और फिर वो कह रहा होता है कि मास्टर अपने लाइफ के जीनियस अंडरस्टैंडिंग को यूज कर रहा है इस फाइट पे। फिर हमें दिखा था कि बैटल रुक जाता है और भाई पे जाहुलिन लिंजा के पास आते हुए कह रहा था कि जैसे उम्मीद थी मेरे सामने का डेस्टिनेशन इंटरनल स्वाट मास्टर है। फिर जाहुलिन कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे डिसाइपल सब कुछ समझ गए हैं। ठीक है चलो आज मैं और एक तुम्हें यूनिक स्किल सिखाता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा जो स्वाटमैनशिप लेवल है वो बहुत ही हाई लेवल तक इम्प्रूव होगा। फिर जाहुलिन अपना एक अटैक तैयार करते हुए कह रहा था कि जाहुलिन तुम तुम्हारे मास्टर के साथ फाइट बैक करने के लिए तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड स्किल को यूज करो। फिर तभी हमें दिखाई दी कि अचानक से जाहुलिन शॉक हो जाता है, और फिर हमें दिखाया था कि जाहुलिन को कुछ वाइंस ने जकड़ लिया होता है। और ये देखने के बाद कह रहा था कि ये क्या है। हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जो कह रहा था कि इस डिसाइपल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड स्किल है। जाहुलिन ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा था कि तुम इस तरह के अजीब सा स्किल कहाँ से सीखा। हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जो अपने उंगली को हिलाता है, और वो कह रहा था आपका ये डिसाइपल और खेल नहीं सकता और मुझे ये जीतने के लिए ये मेथड यूज करना ही पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने वाइन को कमांड करता है। फिर हमें दिखाया था कि वो वाइन धीरे धीरे जाहुलिन के शरीर पर जकड़ जाता है, और वो धीरे धीरे जाहुलिन के पैर पर जाके मजा कर रहा होता है। और ये देखने के बाद जाहुलिन कह रहा था कि स्टिंकी बॉय तुम क्या कर रहे हो, वहीं पर रुक जाओ। और हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाया था जिसके नोज ब्लडिंग होने लगता है, और वो मन मन में कह रहा होता कि होली सेट ये वाइस मास्टर के शरीर के जिस जगह पे टच कर रहा है मुझे ये सेंसेशन फीलिंग हो रहा है। हमें जाहुलिन को दिखाया था जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहे थे कि मैं गिव अप करता हूँ जल्दी से ये हटाओ। और फिर हमें दिखाया था कि लिंजा उसको हटा लेता है और जाहुलिन नीचे गिर जाता है, और वहीं पे लिंजा के नाक से तो खून की नदियां बहने लगता है। हमें दूसरी तरफ जाहुलिन को दिखाया था जो लिंजा की तरह भूसियाल नजरों से देखता है, और वो कह रहा था कि लिंजा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ। और वहीं पे लिंजा कह रहा था कि मास्टर अभी मुझे पता चला कि याचिन के साथ मेरा बहुत ज्यादा दुश्मनी है। लिंजा वहां से जाते हुए कह रहा था कि मास्टर आपने जो अभी शॉर्टमैनशिप मुझे सिखाया वो मैं प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। और इधर मैं जाओ होंगलिंग को दिखाया था जिसके सर से पसीना आ रहा होता है, फिर वो अचानक से जमीन पे बैठ जाता है और वो कांप रहा होता है। और फिर वो मनी मन में कह रहा था कि फॉर्चुनेटली साउनर ने मेरे एम्बरेसमेंट लुक को नहीं देखा। सीन शिफ्ट होता है कुछ समय बाद का सीन दिखाता है, और भाई लिंजा अपना शॉर्टमैनशिप प्रैक्टिस करने के बाद वापस आ गया होता है, और उसके मास्टर को कह रहा था कि ओ माय गॉड मास्टर आपने जो ये स्किल सिखाया है ये बहुत ही जबरदस्त है। हमें जाओ होंगलिंग को दिखाया था जो कह रहा होता है कि 14 साल पहले जब तायुन विलेज में मैं तुम्हें पहली बार देखा था तुम्हें देखने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि तुम एक स्वॉर्डमैनशिप जीनियस बनने वाले हो। और दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाया था जो उसके मास्टर की ये बातें सुनने के बाद एक अजीब सा फेस बना हुए मनी मन में कह रहा था कि क्या सच में, पर नोवेल के कहानी में तो नहीं बताया था कि विलेन के पास कोई इस तरह का टैलेंट भी है। फिर लिंजा उसके मास्टर को कह रहा होता है कि क्या ये मेरा स्वॉर्ड स्किल याचिन के 5 एलिमेंट्री स्वॉर्ड आर्ट को हरा सकता है। और भाई ये बातें सुनने के बाद होंगमिंग कह रहा होता है कि जरूर मैं 10 सालों से ये 5 एलिमेंट्री स्वॉर्ड आर्ट को लेकर स्टडी कर रहा हूँ, क्या तुम तुम्हारे इस मास्टर के एबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हो। और वहीं पे लिंजा कह रहा था कि 10 साल, पर याचिन तो इस माउंटेन पे कुछ ही दिन हुआ आया है, आप 10 साल पहले से ये टेक्निक क्यों स्टडी कर रहे थे। हमें होंगमिंग को दिखाया था जो कास्ते हुए कह रहा था कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, यानी होंगमिंग के चोरी पकड़ लिया गया है। फिर हमें दिखाया था कि लिंजा को जो उसके मास्टर के पास आके बैठ जाता है, और फिर वो कह रहे थे कि वैसे मास्टर आपने जो मुझे ये टेक्निक सिखाया उसका नाम क्या था उस टेक्निक का। जाओ होंगमिंग अपने पास से एक दारू के बोतल को निकालते हुए कह रहा होता है कि जब तुम मेरे लिए गार्डनिंग कर रहे थे और मेरे लिए फूलों की व्यवस्था कर रहे थे मैं तुम्हें पीछे से देख रहा था और तभी मुझे ये टेक्निक रियलाइज हुआ, और वैसे मैंने अभी तक इस टेक्निक का नाम नहीं सोचा। और वहीं पर लिंजा जाओ होंगमिंग की ये बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि अगर आपको ये टेक्निक फ्लावर अरेंजिंग देखते समय आपको ये टेक्निक रियलाइज हुआ तो इस टेक्निक का नाम अरेंजिंग फ्लावर एंड मेकिंग जेड स्वॉर्ड आर्ट ये कैसा रहेगा। होंगमिंग कह रहा था कि नहीं ये नाम बहुत ही ज़्यादा अजीब है, स्वॉर्ड पावर के साथ ये नाम मैच ही नहीं कर रहा है। पर तभी अचानक से जाओ होंगमिंग को कुछ रियलाइज होता है और वो कह रहा था कि हाँ आज इस टेक्निक का नाम रखते हैं द माइटी एंड ब्यूटीफुल डिवाइन स्वॉर्ड आर्ट। और ये नाम सुनने के बाद लिंजा हंस देता है, और वहीं पर होंगमिंग कह रहा था कि तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये नाम अच्छा नहीं है। और वहीं पर लिंजा कह रहा था कि नहीं मास्टर ये नाम बहुत ही जबरदस्त है। होंगमिंग को दिखाया था जो गुस्सा करते हुए कह रहे थे कि बच्चे याद रखना एक दिन सभी इस स्वॉर्ड टेक्निक को द माइटी एंड ब्यूटीफुल स्वॉर्ड डिवाइन आर्ट करके ही बुलाएगा। और वहीं पे लिंजा हंसते कह रहे थे कि अच्छा ठीक है ठीक है। वहीं पे होंगमिंग कह रहा था कि तुम फिर से हंस रहे हो, बिल्कुल भी मत हंसना। पर तभी हमें दिखाया था कि उन दोनों के पीछे से एक पोर्टल जैसा कुछ ओपन होता है। फिर वो इंसान जा होंगलिंग की तरफ देख के मनी मन में कह रहा होता कि मिस जाओ तुम गेम के मिडिल में हो फिर भी तुम्हें पता ही नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो इंसान कोई और नहीं अपर वर्ल्ड का गॉडेस होता है, और वो उन दोनों की तरफ देख के मनी मन में कह रहा होता है कि इन दोनों में से जो पहले प्यार में गिरेगा उसका फ्यूचर लाइफ दुखद से भरा हुआ है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म, भागो यहाँ से। भागने से पहले बताओ वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा जाके फॉलो करो, ठीक है। फॉलो बिल्कुल भी करना, सॉरी गाइस फॉलो जरूर करना है, ठीक है। नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं किसको बताऊंगा, मतलब किसको तो बताना तो पड़ेगा ना, ताकि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो जल्दी से फॉलो करो, ठीक है, बहुत जल्दी से जल्दी फॉलो करो, 1 मिलियन फॉलोअर कंप्लीट करो जल्दी से, ठीक है। चलो और कोई भी पर्सनल ओपिनियन देना हो तो मैसेज कर सकते हो।
चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय।